Oh my god, you have no idea what I got today. Actually, I got it yesterday, but it took me a little time to make a video on it. दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, ये देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। NASA यानी National Aeronautics and Space Administration Hubble Space Telescope के ऑफिशियल Instagram और Twitter अकाउंट पे एक वीडियो जारी किया है, जिसमें सुनाई दे रहा है Helix Nebula का सोनिफिकेशन साउंड। पर ये साउंड की क्लिप इतनी वायरल क्यों हो रही है? आपको बता दे कि अंतरिक्ष में आवाजें नहीं होती, तो सोनिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें खगोलीय आकृतियों को या इमेजेस का डेटा मिला के उस डेटा का कन्वर्जन साउंड में किया जाता है। मतलब इससे ये पता चलता है कि अगर अंतरिक्ष में आवाजें होती तो वो कौन सी म्यूजिक तैयार करते। अगर आप भी मेरी तरह साइंस और स्पेस लवर हो तो ये साउंड आपको गूज़बम्प्स देने वाली है। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। नेब्यूला होता क्या है? नेब्यूला एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है बादल। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो नेब्यूला धूल और गैस के विशाल बादल होते हैं जो हम पृथ्वी से खुली आंखों से देख सकते हैं। ये नेब्यूली या तो मरने वाले सितारों के विस्फोट से बनते हैं या फिर ये ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ नए सितारों का जन्म होता है। खुले आसमान में दूर तक देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका अंत भी कहीं ना कहीं होता है। और ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि इसी प्रकार के 200 मिलियन गैलेक्सीज इस ब्रह्मांड में उपस्थित है। इन गैलेक्सीज के बीच में स्पेस होती है जिसे इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। पहले ये माना जाता था कि ये जगह पूरी तरीके से खाली होगी, यहाँ पे बड़ा वैक्यूम होगा, लेकिन हम गलत थे। बाद में पता चला कि ये स्पेस तो गैसेस और रेडिएशन से भरी पड़ी हुई है। यहाँ 99% गैस होता है और बाकी के आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें भी 75% हाइड्रोजन गैस होता है और 25% हेलियम गैस का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ये इतनी बड़ी मात्रा में फैली हुई गैस म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इकट्ठा हो जाती है और अलग अलग प्रकार के आकार बनाती है, जिसे हम नेब्यूला कहते हैं। कई बार उनका आकार फ्लावर, पीपल, एनिमल या वेपन जैसा दिखाई देता है। उसी के अनुसार पृथ्वी के लोगों ने इन नेब्यूली को अलग अलग नाम दिए हैं। एक ही जगह इकट्ठा होने के कारण उन गैसेस में प्रेशर इतना हाई लेवल पे बढ़ जाता है कि वहाँ के हाइड्रोजन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिससे मैसिव एक्सप्लोजन्स होते हैं और इसी प्रक्रिया से तारों का जन्म होता है। नेब्यूला के चित्र में दिखाई दे रहे चमकते इलाकों में ही नए तारों का जन्म होता है। नासा के इस वायरल पोस्ट में लिखा गया है कि हेलिक्स नेब्यूला पृथ्वी से 655 लाइट ईयर्स दूर है। यह 1 लाइट ईयर मतलब 9 ट्रिलियन किलोमीटर। अब सोचिए कितना दूर है। पोस्ट के अनुसार ये दिखाई दे रहा है कि चित्र में जो बाहरी साइड है, जहां रेड लाइट है, वो वाला एरिया लो पिच वाली आवाज निकाल रहा है। तो जैसे जैसे सोनिफिकेशन आगे बढ़ रहा है, ब्लू वाला एरिया हाई पिच वाला साउंड क्रिएट कर रहा है। इंटरनेट पे तो इस पोस्ट ने काफी बज क्रिएट किया है, कई लोगों ने मिक्स रिएक्शंस दिए हैं, लेकिन मैं तो आपकी पर्सनल राय जानना चाहती हूँ मेरे कमेंट बॉक्स में। मुझे बताइएगा कि ये पोस्ट आपको बहुत डरावनी लगी या इंटरेस्टिंग लगी। आपसे विनती है कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही साइंस अपडेट्स और बुक समरीज के साथ। जय हिंद।